हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है तुम लोगों का। तो मेरा नाम है फिनिक्स एंड तुम लोगों का स्वागत है पोकेमोन ब्लू वर्जन के गेम प्ले के पार्ट 18 में। तो लास्ट एपिसोड में तुमने देखा कि मैं जा रहा हूँ अभी फुशा सिटी से निकल के सैफरन सिटी। तो इस एपिसोड में हम जाएंगे सैफरन सिटी, तो चलो चलते हैं। अभी मैं क्या बोलते भाई, रास्ते पर ही हूँ। तो चलो, अभी मैं रूट 14 में हूँ आई गेस। ओके, देख लेता हूँ मैं इधर कुछ है क्या। नहीं ब्रो, इधर तो कुछ नहीं है, बस वाइल्ड पोकेमोन के लिए, वाइल्ड पोकेमोन पकड़ने के लिए ग्रास है। तो बेल स्पॉट तैयार हो जा भाई कट अटैक यूज़ करने के लिए। तो चलो चलते हैं सैफरन सिटी जल्दी से, इधर बहुत सारे ट्रेनर मिलेंगे मुझे। ओके, मुझे मिल भी गया एक ट्रेनर। हैव यू फाउंड ए मूनस्टोन। हाँ भाई, मुझे मूनस्टोन मिला है। सबसे पहला मूनस्टोन मुझे मिला था क्या भाई, उस रॉक हाँ भाई रॉक टनल पे मिला था शायद। रॉक टनल पे नहीं भाई, माउंटेन मून में मिला था। हाँ, तो मुझे मिला था सबसे पहले माउंटेन मून में भाई। अपना स्नोलैक्स तो नहीं लड़ सकता अभी, तो पिजियॉट लड़ सकता है। आ जा भाई पिजियॉट बैटल करने। ओके, निडोरान ने यूज़ किया पिजियॉट के ऊपर को एक अटैक, मैंने ध्यान नहीं दिया कौन सा अटैक था। तो रेजर विंड यूज़ करता हूँ मैं, देखता हूँ ये पिजियॉट का नेडर विंड रेजर विंड अटैक काम करता है कि नहीं निडोरान के ऊपर। भाई मिस हो गया रेजर विंड अटैक, कम ऑन एक और बार ट्राई करता हूँ, इस बार तो नहीं होना चाहिए मिस। तो निडोरान पॉइजन स्टिंग यूज़ कर रहा है। ठीक है भाई, रेजर विंड एक अटैक से ये फेंडेड हो गया। रेजर विंड के एक अटैक से निडोरान फेंडेड हो गया। स्नोलैक्स एंड पिजियॉट को दोनों को 186 करके एक्सपीरियंस मिला। तो ये जूनियर ट्रेनर अब यूज़ करने वाला है निडोरिनो को। तो कम ऑन ब्रो, एक और रेजर विंड अटैक मार। तो भाई रेजर विंड अटैक तो लगा, लेकिन इसका थोड़ा सा एचपी बच चुका है, तो क्विक अटैक से चलो करते हैं कंप्लीट। एंड निडोरिनो हो गया फेंडेड, 732 एक्सपीरियंस मिला। इसे हरा दिया है मैंने। वो क्या हुआ भाई, तुझे हराया है मैंने और कुछ नहीं। आई कुड हैव मेड माई पोकेमोन इवॉल्व विथ मूनस्टोन। भाई पिज्जी को तुम मूनस्टोन से इवॉल्व नहीं कर सकता, कोई दूसरे पोकेमोन को यूज़ करना पड़ेगा तुझे इवॉल्व करने के लिए, जैसे कि क्लेफरी को। तो ब्रो कट अटैक यूज़ करना पड़ेगा। आ जा भाई बेल स्पॉट ना मेरे टीम में इसीलिए है, इसीलिए मैं यूज़ करता हूँ बेल स्पॉट को सिर्फ कट अटैक के लिए, बैटल में नहीं यूज़ करता। एंड वो मेरे पार्टी में नहीं है इंक्लूड। मैं तो ड्रैगनाइट को पकड़ने लेने वाला हूँ भाई। ट्रेटिन को ख़रीदने के लिए टीम रॉकेट से मनी हुआ क्या मेरे? ओके हो चुका है, मैं जाऊँ क्या? एक काम करता हूँ, चलो ड्रेटिन लेने चलते हैं ब्रो, इससे मैं बैटल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ड्रेटिन ले आता हूँ। यू नेवर नो वाट यू कुड कैच। क्या क्या बोल रहा है भाई, मुझे पता है मैं क्या कैच करना चाहता हूँ। ओ अच्छा, ये फिश के बारे में बात कर रहा है। जो मैं कैच करना चाहूँगा वही मैं कैच करूँगा। तो इसके पास है मैजिक आर्फ जो कि 24 लेवल का है भाई। इसके पास मैजिक आर्फ है, ये मैजिक आर्फ अगर इवॉल्व हुआ ना, एक लेवल और होता इस मैजिक आर्फ का, तो ये इवॉल्व हो जाता गैराडोस में। एंड गैराडोस एक अच्छा पोकेमोन है, मैजिक आर्फ नहीं है लेकिन गैराडोस है भाई। इसका इवॉल्व फॉर्म ड्रैगन, प्रॉपर ड्रैगन जैसा दिखता है भाई। स्नोलैक्स को एक्सपीरियंस देखो, इस मैजिक आर्फ को हराने का मिला 51। कम ऑन ब्रो, 24 लेवल का मैजिक आर्फ था, इसे भी हराने में, एक और मैजिक आर्फ इसे भी हराऊंगा तो इसे भी इससे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा मुझे पता है। तो ठीक है भाई, मैजिक आर्फ तो हो गया फेंटेड, 102 एक्सपीरियंस मिला पी के चुको, ज़्यादा नहीं था। लॉस्ट इट या ब्रो, तू हार गया, अब क्या बोलेगा तू। आई कैच मैजिक आर्फ ऑल द टाइम बट दे आर सो वीक। ओके भाई, ये बहुत वीक है, ये हर वक्त मैजिक आर्फ ही कैच करता है। ओके, तो मुझे इधर आयरन मिला, आयरन से शायद मैं अपना डिफेंस बढ़ा सकता हूँ आई गेस। ये मूनस्टोन बेकार है भाई, मैं मूनस्टोन का करूँगा क्या। तो आयरन में फ्लेरियन के ऊपर यूज़ करता हूँ। अच्छा, तो डिफेंस बढ़ता है आयरन से, डिफेंस बढ़ता है। तो ब्रो कट अटैक यूज़ करते हैं। तो ठीक है भाई, मैं ड्रेटिनी को लेने जाऊँगा सैफरन सिटी,
जाने के बाद मतलब सैफरन सिटी के पोकेमोन सेंटर में जाऊंगा तो सेव हो जाएगा, उसके बाद मैं फ्लाई करके सैफरन सिटी वापस आ सकता हूँ, इतना टाइम नहीं लगेगा इसीलिए। तो चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। भाई इधर एक हाउस है, किसका घर है ये देख लेता हूँ मैं। आई एम द फिशिंग गुरु ब्रदर, तो ये फिशिंग गुरु का ब्रदर है भाई। वो फूशा सिटी में हमें उसका ओल्डर ब्रदर मिला था। आई सिंपल लव फिशिंग, डू यू लाइक टू फिश? यस, मुझे भी पसंद है फिशिंग करना। ग्रैंड, आई लाइक योर स्टाइल, टेक दिस एंड फिश यंग वन। ओके, तो ये इसने मुझे सुपर रॉड दिया है, इसका मैं करूँ क्या? फिशिंग इज द वे ऑफ लाइफ। ओके, तो ये मुझे फिश करने को लोग बोल रहा है, एडवाइस दे रहा है। फ्रॉम द सी टू रिवर गो आउट एंड लैंड द बिग वन। या ठीक है भाई, ये ओडा जैसे क्यों बात कर रहा है? योडा नहीं पता तुम्हें स्टार वॉर्स का? इलेक्ट्रिसिटी इज माई स्पेशलिटी, तो इसके पास सारे इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन देखते हैं भाई। तो सबसे पहले है इसके पास वॉल्ट्रॉप जो कि 29 लेवल का है। तो इसका इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन स्पेशलिटी है स्पेशलिटी। तो आ जा भाई ब्लास्टोइज, डिग अटैक यूज़ कर इस वॉल्ट्रॉप। अबे ये खुद वॉल्ट्रॉप खुद फेंडेड होकर है भाई सेल्फ डिस्ट्रक्ट अटैक यूज़ करके। एक और पोकेमोन है इसके पास जो कि है इलेक्ट्रोड, ये भी खुद से सेल्फ डिस्ट्रैक्ट होके मर गया भाई। सही है भाई, इलेक्ट्रोड भी गया, 930 की वन एक्सपीरियंस मिल गया ब्लास्टोइज को, अच्छा है। अनप्लग इट, हाँ भाई अनप्लग करते हैं अपने दिमाग का वायर। वाटर कंडीशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सो यू शुड चैप सी पोकेमोन। यार ब्रो मुझे पता है वीक होते हैं इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन, ज़्यादा पावरफुल होते हैं वाटर टाइप पोकेमोन से। स्पोर्ट, क्या है ये? फिशिंग एरिया, अच्छा ये फिशिंग एरिया है। एक और स्नोलैक्स, तो पोकी फ्यूल पर जाना पड़ेगा मुझे। इधर किधर गया पोकी फ्यूल भाई? पोकी फ्यूल क्या? ओ ब्रो मैंने पोकी फ्यूल को रख दिया है ब्रो, मैंने इतना बेवकूफ हूँ क्यों मैं? वापस जाना पड़ेगा मुझे फूशा सिटी। तो भाई मैं फूशा सिटी नहीं जाने वाला, अब मैं जाने वाला हूँ सीधा, क्या बोलते भाई, या मैं जाऊँगा पास में ही वर्मिलियन सिटी। या ब्रो वर्मिलियन सिटी चलता हूँ मैं। ओके आ चुका हूँ मैं वर्मिलियन सिटी। सबसे पहले हील कर लेता हूँ अपने सारे पोकेमोन, उसके बाद मैं पीसी में जाके कुछ चीज़ें विड्रॉ करने वाला हूँ। जैसा कि सबसे पहले मैं विड्रॉ करूँगा पोकी फ्यूल्ड, उसके बाद और कुछ चीज़ें मैं अभी डिपॉजिट भी करूँगा भाई। फिनिक्स के पीसी में है, डिपॉजिट करता हूँ मैं। सुपर रॉड इसका क्या करूँगा मैं? मैं नहीं पकड़ने वाला ये सारे तीन मूनस्टोन। ओके तो वापस चलते हैं ब्रो। तो मैंने डिसाइड किया कि अभी मैं जाने वाला हूँ सेलाडॉन सिटी, एंड मैं ख़रीदने वाला हूँ, अबे पैलेट टाउन नहीं आना था ब्रो, मैं गलती से पैलेट टाउन आ गया। तो सेलाडॉन सिटी चलते हैं एंड स्टोर में चलते हैं ब्रो, और नहीं स्टोर में नहीं गेम कॉर्नर में चलते हैं। इधर ही तो पास में था गेम कॉर्नर, ये रहा। तो ठीक है मुझे कॉइन एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करके इधर कॉइन एक्सचेंज करता हूँ। बहुत टाइम लगेगा इधर क्योंकि एक साथ मैं बहुत सारे कॉइन नहीं ले सकता। ओके मैं तो कॉइन केस भी भूल चुका हूँ ब्रो, कॉइन केस लेना था कॉइन लेने के लिए। एक काम करता हूँ मैं, बाद में आऊँ क्या इधर? ठीक है मैं बाद में आता हूँ, सैफरन सिटी जाने के बाद आऊँगा मैं। तो ब्रो फ्लाई करके चलो, मुझे ले जाओ वर्मिलियन सिटी वापस। ठीक है वर्मिलियन सिटी आ गया मैं, इधर से जा सकता हूँ क्या? देख लेता हूँ मैं सबरीना का जिम इधर। ओके मैं जा सकता हूँ भाई, ये जाने नहीं दे रहा मुझे। ठीक है भाई तू जाने नहीं देगा तो रहने दे भाई, मत जाने दे। मैं जाऊँगा लेवेंडर टाउन से, तो इतना दिमाग में अपना गोबर भर के रख। तो चलो चलते हैं ब्रो। ओके मैं जाऊंगा इधर से होते हुए, इधर बहुत सारे ट्रेनर्स हैं तो इनसे बैरल कर ही लेता हूं मैं। ओके तो इससे बैरल करता हूं, ये कौन है भाई?
तो ये है लेट्स गो बट डोंट चैट। ओके, ये मुझसे बैरल करना चाहता है लेकिन चैट नहीं करना चाहता। इसके पास है एकेंस, अपने स्नोलैक्स के स्ट्रेंथ से ये इसका एकेंस हो गया फेंटेड एंड स्नोलैक्स ग्रो टू लेवल 37। अपना स्नोलैक्स 37 का हो गया ब्रो, नाइस। हाँ दैट्स नॉट राइट, क्यू ये क्यों राइट नहीं है ब्रो, मुझे समझाओ। मैं जानना चाहता हूँ। आई डिड माई बेस्ट, आई हैव नो रिग्रेट। ओके रिग्रेट मत कर भाई, रिग्रेट करेगा तो डिप्रेशन में चल जाएगा मेरे तरह। विन लूज और ड्रॉ मुझे नहीं पता गैम्बलर, जस्ट मुझे बैटल करने दो तुमसे। ओके तो इसके पास है पोलीवैक, तो सबसे पहले स्ट्रेंथ यूज़ किया स्नोलैक्स का एंड ये पोलीवैक तो गया। अब देखते हैं ये गैम्बलर नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा होगा इस गैम्बलर का। तो नेक्स्ट पोकेमोन है हॉर्सी, भाई हॉर्सी को भी अपना स्नोलैक्स आराम से हरा सकता है। 18 लेवल का है स्नोलैक्स तो गया भाई। अच्छा डोंट गो माई वे, ठीक है मैं तेरे वे में आना भी नहीं चाहता। पोकेमोन इज लाइफ एंड टू लिव इज टू गैम्बलिंग, लाइफ इज टू गैम्बलिंग, गैम्बलिंग मैन ये कौन है। माई पोकेमोन शुड बी रेडी बाय नाउ। ओके इसके पोकेमोन रेडी है बैटल करने के लिए मुझसे। तो सबसे पहला है निडोरैन, तो स्ट्रेंथ से फेंडेड करता हूँ मैं। ये निडोरैन गया, ये एक यंगर वन है तो ये अबे इससे भी मैं बैटल कर ही लेता हूँ। निडोरिनो है भाई, तो ये ले भाई निडोरिनो सर्फ अटैक ले, कैसा लगा बताना जरूर। ओके निडोरिनो गया ब्रो, टू मच टू यंग या आई बेटर गो फाइंड स्ट्रॉन्गर वन भाई। हाँ पकड़ तू स्ट्रॉन्ग पोकेमोन, उसके बाद दोबारा बैटल करूँगा मैं तुझसे। कॉम्पिटिशन आई कैन गेट इनफ भाई, इसे कॉम्पिटिशन बहुत मिलता है यानी ये भागना चाहता है कॉम्पिटिशन से। तो इसके पास है बेल स्पॉट, स्ट्रेंथ से गया। नेक्स्ट पोकेमोन है ऑडिश, ऑडिश के लिए मैंने पिजियोटो को चूज़ किया है। तो पिजियोटो का फ्लाई अटैक मैं यूज़ करता हूँ ऑडिश के ऊपर एंड ऑडिश हो गया फेंडेड। ठीक है भाई 300 एक्सपीरियंस मिला ओके इस गैम्बलर मैन से एंड मनी कुछ ज़्यादा ही मिल गया। यू कैंट बी ए कावर्ड इन द वर्ल्ड ऑफ पोकेमोन भाई, कावर्ड तो बिल्कुल नहीं हूँ। कावर्ड अगर होता तो मैं सबसे जाके बात करके बैटल करता क्या। केयरफुल आई एम लाइंग डाउन, ओके तो ये सोया हुआ है इधर। ओके ये इसके पास है मैग्नेमाइट, तो स्ट्रेंथ से इसके मैग्नेमाइट को फेंड करते ब्रो एंड ये गया स्पेरेड द वर्ल्ड ऑफ सेव एनर्जी भाई। एनर्जी कितना एनर्जी सेव करूँगा, इधर खुद का एनर्जी नहीं है ब्रो सॉरी। एंड कौन से एनर्जी के बारे में बात कर रहे हो तुम। आई हैव नेवर वन बिफोर, अबे ये जिंदगी में कभी नहीं जीता क्या। इसके पास है राउलेट गया, इसके पास वॉल्फिक्स, वॉल्फिक्स के लिए ब्लास्टोइज जो कि ब्लास्टोइज का आइस बीम था ये गया। आई सॉ दिस कमिंग भाई, इसे सब पता है, इसके पास ऑब्जर्वेशन हाकी है, ये फ्यूचर दे सकता है। इट जस्ट लक ऑफ द ड्रॉ भाई, लक नहीं है, अगर लक होता तो अभी मैं फेंडेड हो जाता क्योंकि मेरा लक तो अच्छा है नहीं। आई जस्ट बिकम ए ट्रेनर बट आई थिंक आई कैन विन, तो ये ट्रेनर बना है नया नया एंड ये सोचता है कि ये मुझे हरा सकता है। तो आ जा भाई तेरे शाइन शुरू को तो हरा दिया मैंने, अब देखते हैं इसके पास और एक कौन सा पोकेमोन है। एक और है जो कि है जुबैट, तो इसके ऊपर भी स्ट्रेंथ ये गया जुबैट भी। माय पोकेमोन कुडंट, क्यों भाई व्हाट डू यू वांट लीव मी अलोन। ओके तुझसे बात क्या करना कौन चाहता है ब्रो, एक दम्बर का रूड बंदा है तू, इससे तो मैंने बैटल किया ब्रो, इस ओल्ड मैन से नहीं किया। आ जा भाई इट जस्ट लक, ओके इससे भी कर लिया है मैंने, इससे भी कर लिया। और कौन है भाई, ओके इधर है, आ जा भाई तू भी कर ले, तेरे पास कौन कितने पोकेमोन है। चार गया, चारों को चार ओके तीन था, मैग्नेटोन था भाई इवॉल्व फॉर्म मैग्नेमाइट का। ओह यूज स्पार्क प्लग, या मैं प्लग को स्पार्क करता हूँ एंड अपने दिमाग को स्पार्क नहीं कर पाता। अबे क्या बक रहा हूँ मैं इन एपिसोड ना, बेकार एपिसोड में फालतू में इनको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वेल बेटर गेट बैक टू वर्क, हाँ भाई काम ही कर, पूरी ज़िंदगी काम ही है करना, और क्या करना है। ओके इधर आसपास कुछ नहीं है और एक ट्रेनर है। फाहा आई हैव नेवर लॉस्ट,
तो ये जिंदगी में कभी नहीं हारा, लेकिन इस बार हारने वाला है मुझसे। ये फेंक रहा है, मुझे पता है। वोल्ट्रॉप गया, मैग्नामाइट तू भी जा भाई। मैं फास्ट फॉरवर्ड पे क्यों कर रहा हूँ बैटल? माय फर्स्ट लॉस। ओ भाई, इसका फर्स्ट लॉस मैंने किया, इस गैम्बलर का। लुक ऑफ द ड्रॉ जस्ट लक, लक ऑफ द ड्रॉ भाई। आई एम द बेस्ट इन माई क्लास। ओके, तो ये अपने क्लास में बेस्ट है, जो कि रेड अटैक लेके घूमता है। 38 का हो गया है अपना स्नोलैक। ओके, पीपी ख़त्म हो गया, तो सर्फ यूज़ करता हूँ मैं रेड अटैक के ऊपर। ये भी गया, ये रेडिकेट है, इसके ऊपर भी सर्फ यूज़ किया, एंड ये दोनों फेंडेड हो गए। देर आर ए फायर पोकेमोन दैट कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन। इट स्ट्रॉन्ग इफ यू कैन गेट इट। ओके, मैं उसे चैलेंज जरूर करूँगा, उसे कैच नहीं करूँगा, मैं उसे फेंडेड करूँगा एंड अपने स्नोलैक्स को फेंडेड करने बोलूँगा। तो आ जा भाई। ओके, ये बंदा इधर सोया है, पोकी फ्यूल गिर गया, ये रहा। ओके, ये जागेगा अब, जाग गया ये बंदा, जो कि 30 लेवल का है भाई। स्कल बैश अटैक ले ब्रो। ओके, ये सबसे पहले अटैक कर रहा है, रेस्ट यूज़ कर रहा है स्नोलैक्स, दोनों के पास सी है स्नोलैक्स। तो अपना स्कल बैश अटैक भाई काम कर रहा है भाई, थोड़ा सा एचपी बच चुका है, इसे तो अपने आप ही हरा सकता हूँ मैं भाई। ये ले एक और अटैक मेरे लिए। ओके, थोड़ा सा बच चुका है, एक और अटैक गया फाइनली। स्नोलैक्स को हमने शांत कर दिया है, ये इधर से निकल चुका है, अपने घर माउंटेन में वापस चला गया। स्पोर्ट फिशिंग, अच्छा ये तो बोट देखा मैंने, ये फिशिंग एरिया है, इधर मैं फिश को कैच कर सकता हूँ। एक और ट्रेनर भाई, इससे भी बैटल कर ही लेता हूँ। आई विल रादर बी वर्किंग। ओके, ये वर्क नहीं करना चाहता, अच्छा ये वर्क करना चाहता शायद, अभी इसको ये वर्क कर रहा होता, लेकिन अभी ये सब बकचोदी कर रहा है भाई। गया एक, ओ भाई मुझे पिकाचू यूज़ करना चाहिए, इधर बहुत सारे वाटर टाइप पोकेमोन है। गोल्डिन, आ जा भाई पिकाचू, थंडरबोल्ट लगा। ओके, ये गया हॉर्सी, तू भी गया, ये हॉर्सी एंड दोनों गए। इट्स नॉट ईजी, ईजी तो कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल राइट, लूजिंग डजेंट बग मी एनीमोर। ओके, तुम मैच्योर हो जाओगे तब तुम्हें कुछ पसंद ही नहीं आएगा ब्रो। आई डोंट नो, मैं अभी मैच्योर हुआ हूँ, अगर मैच्योर बिल्कुल नहीं, मैं अभी इनसिक्योर हूँ भाई। आ जा भाई, फिशिंग फूल वर्सेस पोकेमोन किड। ओके, इसने खुद ही टाइटल सोच लिया है भाई, मुझे स्विच करना पड़ेगा पिकाचू में। अबे मेगा पंच नहीं मानना था, थंडरबोल्ट कंफ्यूज कर दिया ना अपने पिकाचू को, लेकिन फिर भी थंडरबोल्ट तो यूज़ किया इसने। टू मच क्या भाई, टू मच क्या? यू बीट मी एट पोकेमोन बट आई एम गुड एट फिशिंग। भाई ठीक है भाई, फिर फिशिंग कर, मुझे क्या बोल रहा है। ओके, बी पेशेंट, फिशिंग इज ए वेटिंग गेम। मैं फिश नहीं करने आया हूँ इधर, फिर भी ये फालतू का बकरा है, तो ठीक है भाई। रेस्ट नहीं यूज़ करना था ब्रो, चेंज करना है पोकेमोन। पिकाचू इज आवर लास्ट होप। गया ये पिकाचू ने भी हरा दिया भाई। गोल्डिन तू भी जा भाई, बाहर में जा। गोल्डिन भी गया। दैट वन गॉट अवे, कौन भाई कि कौन भाग गया? विथ ए बेटर आर ओ डी आई कुड कैच बेटर पोकेमोन। ये आर ओ डी क्या होता है भाई? आई डोंट नो। या आई गॉट ए बाइट हियर। ओके, इसे किसी ने काट के रखा है। अबे स्नोलैक्स, ओके मैं स्नोलैक्स को ऐसे भी यूज़ नहीं करने वाला, तो पिकाचू आ जा भाई। थंडरबोल्ट गया, पोलीवैक तू भी गया, गोल्डिन तू भी जा भाई। टच, आई जस्ट स्मेल फ्राई। तू सेल करता है फ्राई, लेकिन अब तू कुछ सेल नहीं करेगा, तू बैंक करप्ट हो गया है। हैंग ऑन माई लाइन्स स्नैग इट। क्या उखाड़ेगा भाई ये मेरा, कुछ नहीं उखाड़ सकता भाई। आइटम, ओह हाँ मैं भूल गया ब्रो, अपना ब्लास्टर्स तो स्विम कर सकता है ना, सर्फ कर सकता है। अच्छा स्नोलैक्स सर्फ कर सकता है, ठीक है।
TM16, ये TM16 कौन सा अटैक है ब्रो? देखने दे अबे, TM16 देखना था फिर से बहन के लन बूटेड पेड़ है, ये पेड़ अटैक नहीं सिखाने वाला मैं निकल। ओके तो ब्रो, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सायोनारा।